गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया, अभी कोई काम नहीं हुआ है, सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। ठंड अभी भी है लेकिन पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। अभी सुबह सुबह ठंडा पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कल थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी लेकिन उसके बाद धूप छांव जैसा होने लगा था। अब जा रही हूँ धीरे धीरे अपना काम शुरू करने, आज थोड़ा सा लेट नहाऊंगी। चलिए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कि आज का मौसम कैसा है। हल्की सी धूप निकली है लेकिन धुंध काफी है, क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है। आज संडे इसलिए थोड़ी सी शांति लग रही है, नहीं तो दूसरे दिन बहुत शोर शराबा होता है। यहाँ पे स्कूल है दोनों साइड और ऑफिस जाने वाले के लिए भी। संडे को लोग लेट से सो के उठते हैं और अभी ठंड भी है। इस पॉलीथीन में मैंने मटर के छिलके, मूली के पत्ते वगैरह इकट्ठे करके रखे। गाय वाले भी आते ही होंगे तो उनको दे दूंगी मैं। डस्टिंग वगैरह कर लिया, बेड ठीक कर लिया है। सर्दियों में कपड़े भी बहुत हो जाते हैं फोल्ड करने के लिए, और धूल मिट्टी तो ठंड हो या गर्मी, एक दिन ना करो तो दूसरे दिन सब जगह आपको धूल धूल ही दिखेगी। अभी कोई दूसरा काम नहीं है, सोच रही हूँ सब्जी बना के रख लूँ। बहुत दिनों से एक बैंगन पड़ा हुआ है, कल भी बैंगन लिया लेकिन वो छोटे वाले बैंगन है। की बैंगन की बनाऊँगी क्योंकि रात में सब्जी बनाई थी गोभी आलू की, तो वो भी रखी हुई है। पीछे से आवाज़ आ रही है, शायद बिल्डिंग में काम लगवा दिया है, तोड़फोड़ करवा रहे होंगे कुछ भी। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को बैंगन को किस तरह से मैं चटपटा सा बनाती हूँ। वैसे तो बैंगन खाने मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। जब हम किसी भी सब्जी को अलग अलग तरीके से बना के खाते हैं तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। Thank you.
सारे 11 बज गए, जानबूझ के लेट कर दिया था, मन नहीं हो रहा था सुबह सुबह नहाने का, स्किन खिंची खिंची सी लग रही है, ऐसा स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद कुछ खाऊंगी। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, इचिंग हो रही है इससे, कल हेयर वॉश करूँगी। ठंड की वजह से कुछ केयर नहीं कर पाती हूँ, मकर संक्रांति के दिन लगाया था थोड़ा सा दही और नींबू, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रख नहीं पाई, ठंड लगने लगती है। ये है तिल के लड्डू, मकर संक्रांति पे मैंने बनाया था, यही एक दो खा लूँगी। फ्रूट्स खाना तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है इस बीच में, और खाना भी बन गया, सब्जी बना के गई थी, सिर्फ रोटियाँ सेकनी है। 12 बजने वाले आधे घंटे में खाना खा लूँगी, ठंड में ये सब खाने में अच्छा लगता है, स्पेशली गुड़ से जो भी सामान बनाओ वो सोंधा सोंधा सा लगता है। और एक ख़ास बात है कि एक दिन बनाने में मेहनत और टाइम लगता है, लेकिन महीनों तक हम रख के खा सकते हैं, वैसे मेरे पास इतना है नहीं, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1.5 किलो तिल का ही बनाया था मैंने। ये गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी, तो उसमें से बची हुई है रख लिया। अभी बैंगन बनाया मैंने, और ये वाली हरी मिर्च को फ्राई किया था, थोड़ी सी मूली भी ले लेती हूँ। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, खाना लेके आई हूँ। रोटी बनाने में टाइम लग गया क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था, तो बात करने लगी। खाना खा के मैं रूम में ही इधर उधर थोड़ा सा घूम लेती हूँ, क्योंकि गैलरी में आज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैं बैठूँगी वीडियो एडिट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।